नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL-304 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के तहत यूनिट 6 का एक टॉपिक है लाइट इमिटिंग डायोड, उसका अध्ययन करेंगे। तो लाइट, जिसके नाम से स्पष्ट है कि ये प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला डायोड है। ये जो एलईडीज होते हैं, इनका कंपैरिजन प्रायः लेजर के साथ किया जाता है, लेजर डायोड। तो एलईडी जो है वो प्रायः मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि एक बैंड ऑफ वेवलेंथ का उत्सर्जन करते हैं, जबकि लेजर डायोड जो है वो हाईली कोहरेंट होता है, उसमें कोहरेंस की मात्रा अधिक होती है, जबकि एलईडी में जो है या तो नॉन कोहरेंट होते हैं या इसमें कोहरेंस जो है वो बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है। तो शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन के लिए ये उपयुक्त है, क्योंकि कॉस्ट भी जब हमारा एक क्राइटेरिया होता है, तो कम कॉस्ट में हमें अगर शॉर्ट डिस्टेंस या मीडियम डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करना है तो एलईडी हमारा काम चला देते हैं, उससे हमारा काम निकल जाता है। जबकि लेजर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है, किंतु वो सोफिस्टिकेटेड भी होती है और जो है कॉस्टली भी होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं तो एलईडी बेटर ऑप्शन है हमारा एज ए लाइट सोर्स। तो यहाँ एलईडी को जैसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया है, तो जब कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो अधिकांश होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, मतलब उनका पुनर्मिलन हो जाता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करके लुप्त हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ऊर्जा का रूपांतरण जो है उनकी उनकी जो ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अपन जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका केवल रूप परिवर्तित होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स के साथ मर्ज होकर के जो ऊर्जा मुक्त की है वह प्रकाश के रूप में हमें उपलब्ध होती है, और इस प्रकाश ऊर्जा, हम जानते हैं हर प्रकाश की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी जो साइज है वो उस एनर्जी गैप पर निर्भर करती है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने जंक्शन के अक्रॉस पार किया है। यानी कि होल को भरने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स ने जितने विरोधी विभव अंतराल को, गैप को, ऊर्जा अंतराल को पार किया है, उसके ऊपर उत्सर्जित वेवलेंथ का मान निर्भर करेगा, और इस कंसेप्ट को हम इंजेक्शन ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम होता है इंजेक्शन ल्यूमिनेसेंस का, उसे हम समझें, तो यहां जैसे कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है और यहां ये वैलेंस बैंड का टॉप पार्ट है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के लिए यहां से यहां जंप करेगा, नीचे आएगा, तो इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर, ये एनर्जी डिफरेंस EPH से अगर हम डिनोट करें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक निश्चित फ्रिक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ का फोटोन जो है वो उत्सर्जित होगा, और उस फोटोन की वेवलेंथ लेमडा है। इस फॉर्मूला से हम उसे डिनोट करते हैं। यहाँ H जो है वो प्लांक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो अंतराल है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये इस फॉर्मूला से भी हम इसे डिनोट करते हैं। यहां पर ये अल्फा नियतांक है, ये एनर्जी गैप फोटोन एनर्जी, और ईजी का डिफरेंस है, e⁻ इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय kT। यहां k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो थ्योरेटिकली तो ये होता है, जिसमें कि एलईडी का जो एक्स अक्ष पे हमने उसकी फोटोन की एनर्जी डिनोट की है और वाई अक्ष पे उसकी सापेक्ष पावर है, किंतु एक्चुअल जो है वो ये गैलियम आर्सेनाइड एलईडी के लिए अगर हम प्लॉट करें तो एक्स अक्ष पे जैसे हमने वेवलेंथ ली है, वेवलेंथ नैनोमीटर में डिनोट कर रहे हैं, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, कई बार एंगस्ट्रॉम में भी डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻¹ मीटर होता है, और यहाँ रिलेटिव पावर यानी सापेक्षिक पावर है उसकी,
तो यहाँ पे हम देखेंगे 35 नैनोमीटर का एक जो एक गैप है ये हमें इंडिकेट करता है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम का, यानी कि मैक्सिमम पावर का हाफ पावर हमें इस बैंडविड्थ के बीच में मिल रहा है। तो ये इसका एक टिपिकल कर्व था। अब हम इसके कुछ ये हालांकि इसके काफी डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस है किंतु डिप्लोमा लेवल पे हमारे लिए इतना इतना डीप की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम एक थोड़ा सा एक समरी देख लें कि जो रिलेटिव स्पेक्ट्रल विड्थ होती है, यानी कि ये एक तरह से रेशियो होता है, इसे हम प्रतिशत स्पेक्ट्रल विड्थ भी कह सकते हैं, तो वो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा होता है और इसका मान जो है इन दोनों डेल्टा ई अपॉन कैपिटल ई होगा, यानी कि ये इस सापेक्षिक जो स्पेक्ट्रल विड्थ है उसका मान सापेक्षिक जो एनर्जी का मान है, यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस का रेशियो है उसके बराबर होगा और उसको हम उसकी वैल्यू 2.4 केटी अपॉन ईपीएच होती है। अब हम देखें डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसी के आधार पर हम एलईडी का मटेरियल का चयन करते हैं। तो ये हम देखें इसमें आप डायग्राम में देखेंगे कि एक्स अक्ष पर मोमेंटम यानी कि संवेग दिखाया गया है और वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिखाई गई है। तो ये जो ऊर्जा स्तर है यहाँ देख सकते हैं ये कंडक्शन बैंड है और यहाँ नीचे वीबी यानी वैलेंस बैंड है, संयोजक बंद है और ये चालन बैंड है। तो यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फोटोन रिलीज होता है, जबकि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप जो मटेरियल होते हैं उसमें इस टाइप का होता है ये ऊर्जा स्तर का प्रोफाइल। तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में ये एक और इंटरमीडिएट स्तर है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप जब वैलेंस बैंड में करता है तो न केवल फोटोन बल्कि एक फोनॉन भी उत्सर्जित होता है। तो फोटोन और फोनॉन में अंतर होता है। फोटोन हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है, एलईडी का इसमें हम डिजायर्ड क्या है, हम यहाँ ये चाहते हैं कि अधिकांश ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो केवल फोटोन के रूप में होना चाहिए, यानी प्रकाशीय कण के रूप में होना चाहिए, न कि फोनॉन के रूप में। जो फोनॉन जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कंपन के कारण होता है, ये प्रकाश ऊर्जा से संबंध नहीं रखता, इसलिए हम अधिकांश रेशियो फोटोन का चाहते हैं। तो यानी कि हमारा नेचुरली हम चाहेंगे कि एलईडी के केस में हम डायरेक्ट बैंड गैप टाइप के सेमीकंडक्टर का चयन करें क्योंकि उसमें केवल फोटोन होते हैं, दूसरे टाइप के फोनॉन नहीं होते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं इसकी परिभाषा जो है डायरेक्ट बैंड गैप की, वो है कि इसके केस में जो कंडक्शन बैंड के बॉटम से के संगत जो ऊर्जा होती है और जो वैलेंस बैंड के टॉप से संबंधित तो ऊर्जा होती है वो उनके उनकी जो उनसे संबंध जो क्रिस्टल का जो संवेग होता है उसका मान लगभग समान होता है, इसलिए इस बात की काफी अधिक प्रायिकता होती है कि डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होगा। और इसके लिए मटेरियल कौन से हैं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एंटीमनी आईएनएस इत्यादि। जबकि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल हैं उसमें जो कंडक्शन बैंड के बॉटम से संबद्ध ऊर्जा है और उसका जो क्रिस्टल का जो मोमेंटम है जो वो एक्सेस क्रिस्टल मोमेंटम होता है किसकी तुलना में वैलेंस बैंड के टॉप से के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है उसकी तुलना में कंडक्शन बैंड के बॉटम का संवेग अधिक होता है। तो इस कारण जो है जो रिकॉम्बिनेशन है उसके लिए ये एक शर्त ये हो जाती है कि साइमल्टेनियस इमिशन हो किसका, फोटोन और फोनॉन का। जो फोटोन फोनॉन क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के कंपन होते हैं, और क्योंकि अगर वो फोनॉन उत्सर्जित होंगे तभी जो है संवेग संरक्षित रहेगा। इस बात की जो इस प्रकार के जो ट्रांजिशन की जो प्रायिकता है वो बहुत कम होती है। तो इस कैटेगरी के जो मटेरियल है जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है इनको हम प्राय एलईडी में यूज नहीं करते हैं प्रिसीशन वर्क के लिए, और मतलब कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम
इनमें एलईडीज का यूज नहीं करते, इनका इल्यूमिनेशन के लिए केवल भले ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा चूंकि यहाँ उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर में प्रिसीशन वर्क है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमें अगर थोड़ा करना है तो हमें डायरेक्ट बैंड गैप सब मटेरियल यूज करने पड़ेंगे। तो इसका जो जीएएस का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ईजी, वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसा कि आपको सिलिकॉन के केस में याद होगा वहां 1.21 हुआ करता था। इस पैरामीटर को आप टिप्स पे याद रखें। और भी मटेरियल्स हैं। अब हम देखें कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है एलईडी की वो क्या होती है। बेसिकली ये एक रेशियो होता है जिसके किस दो रेट्स का, दो दरों का रेशियो होता है। पहली दर जो कि अंश में आएगी न्यूमरेटर में, वो क्या होती है कि वो सेमीकंडक्टर में जो फोटॉन्स के उत्पन्न होने की दर होती है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो दर जो कि जिस दर पे कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो ये इसके से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने कम कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करके जितनी अधिक फोटॉन्स का उत्सर्जन करेंगे उतनी ही उसकी एलईडी की एफिशिएंसी अधिक होगी, जो कि हमारा उद्देश्य है। तो अब हम देखें कि जो ये कंस्ट्रक्शन है एक टिपिकल एलईडी का, उसमें एन टाइप जैसे कि एक सबस्ट्रेट है और उसमें पी टाइप एक वेल है खुदा हुआ है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि लाइट आउटपुट जो है वो कन्फाइंड रहे। ये एक होमो जंक्शन टाइप का एलईडी है, होमो जंक्शन, और एक दूसरा होता है हीटेरो जंक्शन। तो होमो जंक्शन वो होता है जिसमें जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जो कि जंक्शन संधि का निर्माण कर रहे हैं, वो दोनों ही सेम, दोनों का जो है सेम टाइप डायरेक्ट बैंड गैप के हों, और एक एक जैसे उनका पैरामीटर्स होने चाहिए। अभी हम और हीटेरो जंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर के ऊपर और ये जो एल्युमिनियम का मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, ये एल्युमिनियम के जो हैचिंग लाइन से दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ नीचे की साइड सबस्ट्रेट से भी एक टर्मिनल निकला हुआ है। तो ये जो टर्मिनल्स हैं इनके और इस सेमीकंडक्टर के बीच में SiO2, ये वाला SiO2 का एक इंसुलेटर इंसुलेशन एक सैंडविच्ड होता है, ये इस पदार्थ का इंसुलेशन सैंडविच्ड होता है, एज ए डाइलेक्ट्रिक भी वर्क करता है ये। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाती है? उसके कारण एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, या पुनः अवशोषण हो जाता है अगर फोटॉन्स का वापस से, तो भी जो है क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाती है। इससे हम चित्र से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सबस्ट्रेट है, ये हाईली डोप्ड एन रीजन है, और ये पी टाइप वेल है, यहाँ से ये जो एरोस ये इमिशन को दर्शा रहे हैं, और ये ट्रांसमिटेड रीजन है जो इस वेल के बाहर के रास्ते से बाहर उत्सर्जित होता है। तो अब हम ये देखें कि जो इफिशियंट एलईडी के लिए क्या क्या, ये हम जैसा कि हमने बात की, तो करेक्ट बैंड गैप होना चाहिए और डायरेक्ट बैंड गैप टाइप का होना चाहिए, इफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, और मटेरियल का हम सिलेक्शन ध्यान से करें। इसके लिए दो टाइप की जंक्शंस बनती हैं, होमो जंक्शन मैंने अभी बताया था, हीटेरो जंक्शंस क्या होती हैं? हीटेरो जंक्शंस वो होती हैं जो कि दो डिफरेंट बैंड गैप टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में बनती है। तो हीटेरो जंक्शन के जो एलईडीज होते हैं उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। जो होमो जंक्शंस होती हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, पहले तो ये देख लें कि एक तो इसमें जो पी रीजन है वो बहुत ही पतला होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि फोटॉन्स जो है वो एस्केप कर जाते हैं, और जो पी रीजन है वो काफी शैलो, मतलब काफी कम गहरा होता है, उथला होता है जो पी वेल है होमो जंक्शंस के केस में।
और ये जो पी रीजन है वो काफी मोटा भी होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रीअब्सॉर्प्शन होगा, पुनः अवशोषण होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम अगर हमें एलईडी के लॉस अवॉइड करने हैं तो हमें दो कंसेप्ट अपनानी पड़ेंगी। पहला है कैरियर कन्फाइनमेंट, यानी कैरियर्स जो हैं उनको सीमित रखा जाए, एक बाउंड्री में एक कन्फाइन करके रखा जाए, और दूसरा है फोटोन कन्फाइनमेंट, फोटोन को भी सीमित रखा जाए ताकि वो एक पर्टिकुलर बीम के रूप में उत्सर्जित हो, इधर उधर वो स्कैटर्ड नहीं हो, बिखरे नहीं अपनी ऊर्जा को जो है वो अधिकाधिक एक तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वे में रख सके। और इसके लिए हमें बैंड गैप और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे की जो है उसकी इंजीनियरिंग पे ध्यान देना होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, तो ये हमें हीटरो स्ट्रक्चर्ड एलईडी के द्वारा प्राप्त होता है, द्वारा संभव होता है। तो ये हीटरो जंक्शन एलईडीज हैं जिनका कि हम अब अगले वीडियोज में बात करेंगे। धन्यवाद।